हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसके गुणों व दोषों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बीए के एग्जाम्स में, बीकॉम के एग्जाम्स में और ट्वेल्थ सहित कई सारे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपके सिलेबस में मिश्रित अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको इसकी परिभाषा, गुण और दोषों के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसके गुण व दोषों की जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। यह पूंजीवाद एवं समाजवाद का मिश्रित रूप है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग साथ साथ कार्यरत रहते हैं, परंतु व्यक्तिगत उद्योगों में भी सरकारी हस्तक्षेप रहता है। मिश्रित व्यवस्था इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है समाजवाद जो होता है उसका और एक जो होता है पूंजीवाद, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है। इसमें जो है पूंजीवाद को थोड़ा कम मौका दिया जाता है और समाजवाद को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, और अगर समाजवाद अच्छी तरह से चल रहा है तो पूंजीवाद को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, यानी कि दोनों का तालमेल बिठा के चला जाता है। अगर आप मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और अगर आप समाजवाद और पूंजीवाद के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लें कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है, तब आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। मिश्रित अर्थव्यवस्था व आर्थिक प्रणाली है, ये जो है एक आर्थिक प्रणाली है, यानी कि ये एक अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। दोनों विशेषताएं विद्यमान रहेंगी इसमें, जो उसमें गुण थे उसमें इसमें भी रहेंगे। पूंजीवाद में जो गुण थे वो भी रहेंगे और जो समाजवाद में गुण थे वो भी इसमें रहेंगे और दोनों दोष भी रहेंगे। यह पूंजीवाद एवं समाजवाद का मिश्रित रूप है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग साथ साथ कार्यरत रहते हैं, यानी यहाँ पे जो है जो व्यक्ति कोई उद्योग करता है उसका भी और जो सार्वजनिक यानी जो समाज के लिए उद्योग होते हैं वो दोनों ये जो साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु व्यक्तिगत उद्योगों में भी सरकारी हस्तक्षेप रहता है, यानी कि व्यक्तिगत उद्योग कोई है उसमें सरकार जो है हस्तक्षेप करती है, लेकिन सार्वजनिक उद्योग में तो कोई हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि वो जो है सरकार ज्यादातर करती है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम लोगों ने देख ली कि यह पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही विशेषताओं से मिलकर बना हुआ है। अब इसका जो है गुण देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला जो है पर्याप्त स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों या अन्य वर्ग के लोगों को अपने व्यवसाय संबंधी पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। इसमें जो है एक लिमिट तक स्वतंत्रता प्राप्त रहती है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए। तो जैसा कि हमने लोगों ने देखा पूंजीवाद में पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, और समाजवाद में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं रहती है किसी व्यक्तिगत कार्य को करने के लिए। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है एक लिमिट तक जो है व्यक्तिगत कार्य को जो है किया जा सकता है, व्यक्तिगत उत्पादन किया जा सकता है और व्यक्तिगत व्यापार किया जा सकता है, लेकिन जो है समाजवाद में ऐसा नहीं होता था। उसमें जो है समाज के लिए सब कुछ करना पड़ता था, और पूंजीवाद की बात करें तो उसमें जो केवल पूंजी के लिए लोग करते थे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ही केवल करते थे, समाज का हित उसमें तनिक भी नहीं होता था। लेकिन इसमें जो है इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि समाज का भी हित हो और पूंजीवाद जैसी समस्या भी ना उत्पन्न हो। तो यहाँ पे जो है इसमें पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। आगे देखते हैं तो आर्थिक विकास। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूर्ण नियोजित ढंग से उत्पादन का कार्य किया जाता है, इससे साधनों का समुचित एवं कुशलतम प्रयोग संभव हो जाता है, इसलिए आर्थिक विकास में तीव्रता आ जाती है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें पूर्ण नियोजित ढंग से उत्पादन का कार्य किया जाता है, यानी कि अच्छी तरह से कार्य किया जाता है, और इसमें साधनों का समुचित एवं कुशलतम प्रयोग संभव हो जाता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो इसमें जो है करते हैं कार्य वो भी सोचते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उस लिमिट तक ही हम फायदा कमा लें जहां तक हमें मिलता है, और उससे समाज का भी फायदा हो जाता है। अगर लिमिट लगा दी जाती है तो उससे अन्य वर्गों को फायदा होता है, नहीं तो वही आदमी केवल ऊपर जाता है और बाकी लोग नीचे ही रह जाते हैं, यानी कि पीछे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे इससे साधनों का समुचित एवं कुशलतम प्रयोग संभव हो जाता है, इसलिए आर्थिक विकास में तीव्रता आ जाती है। अब आगे देखते हैं सामाजिक लाभ, यानी कि अधिकतम सामाजिक लाभ इससे किस प्रकार से मिलता है। सरकार के द्वारा ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जाती हैं कि समूचे समाज को अधिकतम लाभ मिले, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का जो काम होता है वो ऐसी आर्थिक नीतियां लाना होता है जिससे कि समाज में जो है पूरे समाज को जो अधिकतम लाभ मिले। तो यह था अधिकतम लाभ मिलने का फायदा।
आगे देखते हैं आर्थिक विषमता में कमी। सरकार के द्वारा अधिकतम सामाजिक कल्याण पहुंचाए जाने के कारण तथा करारोपण के द्वारा आर्थिक असमानताएं बहुत कम हो जाती है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा जो है पैसे की कमाई कर रहा है या हद से ज्यादा जो है उसका पूंजी है, तो उस पर सरकार क्या करती है, जो करारोपण कर देती है, यानी कि कर का आरोपण कर देती है, उनसे जो है कर की वसूली करती है। अगर कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा पैसे कमाता है बिजनेस करके, तो सरकार क्या करती है, उस पर कर लगाकर कर वसूलती है और उस कर से जो है गरीब लोगों को संचालित करती है, यानी कि गरीबों को फायदा पहुंचाती है। इसके आगे देखते हैं प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि। मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षित व्यक्तियों का अधिकतम सहयोग प्राप्त होता है, यानी कि मिश्रित बस्ती में अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति व्यक्तिगत कार्य को अच्छे तरह से संचालित करता है और समाजवादी किस्म का व्यक्ति जो होता है समाजवाद को अच्छी तरह से संचालित करता है। तो इस प्रकार से प्रशिक्षित व्यक्तियों की भी उपलब्धि इसमें होती है। इसके आगे का जो गुण है उसको देख लेते हैं। संसाधनों का कुशल आवंटन। सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्र संसाधनों के कुशल आवंटन पर जोर देते हैं ताकि उत्पादन और वितरण के घटकों का सटीक उपयोग किया जा सके। यानी कि इसमें जो होता है जो संसाधनों का आवंटन या बंटवारा कहें, वो बंटवारा जो होता है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में जो है अच्छी तरह से होता है, जिससे कि उत्पादन और वितरण के घटकों का सटीक उपयोग किया जा सके। तो ये थे मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण जिसको हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष क्या हैं, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के कौन कौन से दोष हो सकते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख दोष निम्न हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के कौन कौन से दोष भी हैं। गुण तो हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, लेकिन इसके दोष भी कुछ हैं, उनको देखते हैं। स्थिरता का अभाव, पहला दोष जो है स्थिरता का अभाव है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उचित समन्वय ना होने पाने के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थिरता का अभाव बना रहता है। समन्वय, यही जो पूरी परिभाषा का जो मतलब निकाल देता है कि यानी कि दोनों में तालमेल जो होता है वो अच्छी तरह से नहीं होने के कारण जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थिरता का अभाव बना रहता है। इसमें सब कुछ जो होता है स्थिर नहीं होता है, अस्थिर हो जाता है, क्योंकि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र होते हैं। निजी व्यक्ति जो होता है वो निजी कार्य करना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से कार्य करना चाहता है, और सार्वजनिक संघ या व्यक्ति जो होता है वो सार्वजनिक रूप से काम करना चाहता है, पूरे समाज को फायदा पहुँचाना चाहता है। इसी वजह से इन दोनों का तालमेल यानी कि समन्वय नहीं बैठ पाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थिरता का अभाव बना रहता है। अब इसके आगे दोष देखते हैं। अगला दोष हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है संपूर्ण नियोजन संभव ना हुआ, यानी कि संपूर्ण नियोजन जो होता है वो संभव नहीं हो पाता है। कैसे, अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजित, सरकार का निजी क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रहता है, यानी कि निजी क्षेत्र में जो प्रभावशाली नियंत्रण नहीं हो पाता क्योंकि उसे निजी व्यक्ति जो है संचालित करते हैं, जबकि जो सार्वजनिक होता है उसमें जो है सरकारी कर्मचारी भी ही उसे संचालित करते हैं, तो उसे जो है नियोजन करना अच्छा होता है, लेकिन जो निजी क्षेत्र है उन पर प्रभावशाली नियंत्रण सरकार का नहीं होता है। इसके आगे देखते हैं कुशलता का अभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय उचित एवं विवेकपूर्ण नहीं होते हैं और देश के सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण बंटवारा न होने पाने के कारण संसाधनों का अपव्यय होता है और कार्य कुशलता में कमी आती है। यानी कि इससे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय उचित एवं विवेकपूर्ण नहीं होते हैं, इसमें जो है कभी निजी क्षेत्र को ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है और कभी सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है, और इसी कारण से इसमें जो विवेकपूर्ण संसाधनों का बंटवारा नहीं हो पाता और संसाधनों का अपव्यय होता है, जिसके कारण कार्य कुशलता में कमी आती है। इसका अगला दोष देखते हैं तो निजी क्षेत्र की अवहेलना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए हर संभव उपाय करती है, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग सरकार की ओर से उपेक्षित रहते हैं। निजी क्षेत्रों में दोस्तों ज्यादातर देखा गया है कि निजी क्षेत्रों में जो व्यक्ति काम करते हैं वो बहुत ज्यादा फायदा कमाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा जनरेट करते हैं, जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं सरकार के लिए जो काम करते हैं, यानी कि रेलवे की सुविधा जो हो गई या एयरपोर्ट वगैरह की सुविधा हो गई, ये सारी सुविधाओं में लगातार सरकार जो है घाटे में रहती है। तो इस प्रकार से जो है निजी क्षेत्र की वो अवहेलना कर देती है, निजी क्षेत्रों को उतना इज्जत नहीं देती है जितना कि सार्वजनिक क्षेत्रों को इज्जत देती है और सार्वजनिक क्षेत्रों को मदद करती है। अब इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीयकरण का भय। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े पूंजीपति अपने पूंजी का विनियोजन उद्योग में इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें उद्योग के राष्ट्रीयकरण किए जाने का भय लगा रहता है, इसलिए उत्पादकता कम हो जाती है। राष्ट्रीयकरण के भय से जो है बहुत सारे जो उद्योगपति होते हैं और पूंजीपति जो होते हैं वो अपने पूंजी को किसी अच्छे बिजनेस में या किसी अच्छे उत्पाद करने में नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनका जो
बिजनेस है और उनका उद्योग जो है वो जो है राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की परिभाषा, गुण और दोष। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण दोष अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।